हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टी की रसोई में। और आज जो हम बना रहे हैं वो है बैंगन का भरता। इस बैंगन को मैंने 4 पीस करके कट करके देख लिया है कि कहीं ये अंदर से खराब तो नहीं है, लेकिन ये सही है। अब मैं इसको बैंगन को गैस पे अच्छी तरीके से भून रही हूँ। इसको मैं भून रही हूँ, जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा तो जो इसके खाल है, जो इसका छिकल, उसको मैं छील लूंगी। मेरे पास ये 2 बैंगन है और दोनों को मैंने अंदर से देख लिया है, खराब तो नहीं है, पर ये दोनों साफ सुथरे बैंगन है। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून चुकी हूँ। अब मैं इसके छिकल को छीलूंगी। अब हम इसको छीलेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको साफ करेंगे। अब हमने इसको, इसके छिकल को छील लिया है, अब हम इसको धोएंगे। हम अपना बैंगन का भरता बनाने की विधि शुरू करते हैं। हमने पहले इसमें कढ़ाई रख दी है और अब हम जो डालेंगे इसके अंदर वो है तेल। और अब हम इसमें डालेंगे मेथी के कुछ दाने। और जीरे, जीरा के कुछ दाने या फिर आधा चम्मच डाल देते हैं। जब हमारा जीरा और मेथी हो जाए तो हम इसमें डालेंगे लहसुन। फिर डालेंगे हम इसे प्याज। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, जो हमने 3 टमाटर कट करे हैं। साथ ही हम नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। हल्दी पाउडर, मिर्च,
पिसी हुई मिर्च, दो सूखी मिर्च तोड़ के डाल देंगे। तो फोन करके बुला क्यों रहे थे? अब हम डालेंगे अपना बैंगन का, जो हमने भरता बनाने के लिए तैयार किया है, उसे भूना है। अब हम बैंगन को डालेंगे। अब ये हमारा बैंगन का भरता बन चुका है। देखिए आप लोग, अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग भी अपने घर पर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करिएगा और ये बैंगन का भरता बना के देखिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये इस तरीके से बनाने में। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, दूसरी वीडियो के साथ।